सो हे गाइस, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20 फीट बाय 30 फीट का एक बेहतरीन हाउस प्लान। एक ईस्ट फेस का हाउस प्लान है यहाँ पे, और इस प्लान को मैंने वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा हुआ है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा गाइस। इसमें आपको 3 बेडरूम्स मिलेंगे एंड 1 ड्राइंग, और बहुत कुछ मिलेगा। इतने कम स्पेस में मैंने 4 रूम्स कैसे प्रोवाइड किया हुए, ये जानने के लिए आगे तक बने रहो। ये प्लान आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं श्योर हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो चलो आज हम बात करेंगे सरफेस फिनिशेस के बारे में, इसमें क्या क्या आता है और ये सरफेस फिनिशेस हमारे घर के लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब जानते हैं आज। तो इसमें पहले नंबर पे आता है टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड सरफेस फ्रॉम द एब्जॉर्ब इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग एजेंसीज, माने धूप बरसात, माने वेदरिंग एजेंसीज से बचाने के लिए ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड नंबर पे है टू प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म एंड ए स्मूथ सरफेस, मतलब ये अच्छा दिखने के लिए एंड सरफेस को स्मूथ करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड इसमें है टू गिव ए प्लीजिंग अपीयरेंस, मतलब ये आपको एक अच्छा लुक देने के लिए होता है। एंड फोर्थ टू प्रोवाइड डेकोरेटिव फिनिशेस टू द सरफेस, एंड ये एक घर को अच्छा लुक देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। एंड फाइव टू कंसील द पुअर वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स। एंड सिक्स्थ है टू प्रोटेक्ट द सरफेस अगेंस्ट डस्ट डॉट एंड बैक्टीरिया टू क्रिएट न्यूट्रिएंट्स इन केस ऑफ इंटरनल फिनिशेस। एंड सरफेस फिनिशेस के टाइप कितने होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्लास्टरिंग, सेकंड पेंटिंग, थर्ड पेंटिंग, फोर्थ पॉलिशिंग, ईटीसी। मेरे को जितना नॉलेज है, मैं जितना जानता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ आपको, और होता होगा शायद, मेरे को मालूम नहीं है। प्लास्टरिंग कितने टाइप का होता है, तो प्लास्टरिंग अपना 4 टाइप का होता है। फर्स्ट सीमेंट प्लास्टर, सेकंड लाइम प्लास्टर एंड थर्ड मॉड प्लास्टर, फोर्थ स्टको प्लास्टर, जिसमें से ज़्यादा आपका सीमेंट प्लास्टर ही ज़्यादा चलता है, और गांव में थोड़ा मॉड प्लास्टर चलता है। तो यही है, प्लास्टर करते वक्त जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका फर्स्ट गैजिंग ट्रल्स, सेकंड प्लम्बर, थर्ड फ्लोटिंग रूल्स, फोर्थ फ्लॉट्स एंड वाटर स्पीड का भी, वाटर लेवल का भी थोड़ा सा यूज होता है इसमें। तो यही है, अब चलो मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट, मेन गेट से एंटर करेंगे अपने स्टेयर का ड्राइंग में। ये 4 फीट का मैंने मेन गेट रखा हुआ है, और यहाँ से स्टेयर अप, ये अपना ड्राइंग हॉल। आप चाहें तो इसको पार्किंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका साइज मैंने रखा है 6 फीट 1 इंच बाय 9 फीट का है। आप चाहें तो आराम से यहाँ पे कार, सॉरी अपना बाइक आप यहाँ से आराम से पार्क कर सकते हो। तो यही है, ये है अपना बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 9 फीट टू 1 इंच बाय 9 फीट का। एंड दिस इज कॉमन बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 8 फीट 8 इंच बाय 4 फीट का। और ये है अपना बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा हुआ है 10 फीट बाय 9 फीट 1 इंच का। एंड ये अपना तीसरा बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा हुआ है 9 फीट बाय 10 फीट का। और ये है अपना किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 8 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 7 इंच का। एंड दिस इज और डाइनिंग एरिया, जिसका साइज मैंने रखा है 8 फीट 8 इंच बाय 8 फीट 1 इंच का। सो यही है आज का प्लान गाइस। अगर आपको ये प्लान अच्छा हुआ लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर बाय हार्ट, क्योंकि ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ जो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एंड लाखों रुपए बचाएंगे।
तो इसका बिल्डिंग कॉस्ट आपको आएगा 9 to 10 lakhs एंड कॉलम साइज आपको रखने हैं 10 inch into 12 inch का, 16 mm का टोर आपको 4 यूज़ करने हैं एंड विंडो साइज 3 feet into 4 feet, 3 feet into 5 feet, 4 feet into 5 feet, जो भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हो एंड डोर साइज आपको 3 feet 6 inch into 7 feet का रखना है आपको बेडरूम का एंड टॉयलेट का डोर साइज आपको 2 feet 6 inch into 7 feet का एंड वेंटिलेशन साइज 2 feet into 1 feet का। सो यही आज का प्लान गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद।